हे गाइस, पावर ऑन टॉक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ में है क्यूजे मोटर्स की SRV 125। अब क्यूजे मोटर्स ने ऑलरेडी SRV 300 को इंडिया में लॉन्च किया हुआ है, जो कि यहां पर अवेलेबल है। तो ये है SRV 300, और जल्दी ही हो सकता है कि क्यूजे मोटर्स जो है वो SRV 125 को भी इंडिया में लॉन्च करे, क्योंकि ऑटो एक्सपो में इस बाइक को यहां पर अनवील किया गया है। अब क्या कुछ आपको यहां पर ऑफर किया जाने वाला है, क्या फीचर स्पेसिफिकेशन इस बाइक के साथ में आते हैं, वो सारी डिटेल मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में आपके साथ में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बाइक के डिजाइन के साथ में। अगर मैं बात करूं तो बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है, सर्कुलर शेप का है, और लुक वाइज ये आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। बाइक के हेडलैम्प के अंदर आपको क्यूजे मोटर की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद में जो टर्न इंडिकेटर्स है वो सर्कुलर शेप के रखे गए हैं, लेकिन यहाँ भी आपको LED का यूज देखने को मिलता है। इसके बाद में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, और फोक गेटर्स वगैरह का यूज यहाँ पर नहीं किया गया है। इसके बाद में नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको बड़ा डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, ABS के साथ में है, और 17 इंच का आपको अलॉय व्हील मिलता है 90x90 सेक्शन के टायर के साथ में। ट्यूबलेस टायर्स इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से मैं अगर आपको बाइक दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लो हाइट है इस बाइक की, और काफ़ी लंबी बाइक है, छोटी है ऊंचाई में, लेकिन लेंथ काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। बाइक के अंदर आपको 14.7 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। क्यूजे मोटर्स की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टिकर फॉर्म में दी गई है। इसके बाद में की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो इग्निशन की है, ऑन ऑफ अगर आपको करना है, और हैंडल लॉक की पोजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाइक के अंदर आपको ये रेडिएटर देखने को मिलता है। बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो लिक्विड कूल्ड दिया गया है। इसके अंदर आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 14.7 BHP की पावर और 12.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 6-speed गियरबॉक्स के साथ में ये बाइक आती है। तो डिज़ाइन एंड लुक्स के मामले में तो बाइक काफ़ी अट्रैक्टिव है ही, साथ ही में जो इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करता है। यहाँ पर आपको रियर ब्रेक पेडल देखने को मिल जाता है, ये आपको राइडर फुटपैक देखने को मिलता है, ये पिलियन के लिए है। इसके बाद में जो एग्जॉस्ट है उसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है। तो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना। रियर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है ABS के साथ में। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। रियर में आपको 15 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है 140 सेक्शन टायर के साथ में। तो पीछे का जो टायर है वो काफ़ी वाइड आपको मिलेगा। स्प्रिंग लोडेड ट्विन चोक अब्जॉर्बर आपको रियर में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलती है इसके टेल सेक्शन में, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जिसका टायर है वो आपको काफ़ी वाइड मिलता है। साथ ही अगर इस बाइक के टेल लैंप की अगर आप बात करोगे तो वो आपको नहीं दिखने वाला है। यहाँ पर जो है ये आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको LED मिलते हैं, और इन्हीं के अंदर आपको इसकी टेल लैंप देखने को मिलती है। तो अगर आप ब्रेक लगाओगे तो यहीं पर आपको जो ये रेड वाला पार्ट है ये टेल लैंप का काम करता हुआ दिखेगा। तो डिज़ाइन के मामले में बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओपन चेन कवर के साथ में बाइक आपको देखने को मिलती है, और जो इसकी सिटिंग पोस्चर है वो एकदम क्रूज़र सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर ये ऑफर करती है। सिंगल सीट यूनिट के साथ में बाइक आती है, स्टेप सीट है, पिलियन के लिए काफ़ी ठीक ठाक सी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि कोई भी ग्रैब हैंडल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। टॉप व्यू की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंगल पाइप हैंडल बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पास स्विच मिल जाता है, हाई बीम लो बीम स्विच मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर हॉर्न आपको मिल जाता है, USB चार्जिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, सी टाइप का व्यू ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, फुल डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर इंजन किल स्विच है, हजार्ड स्विच है, चारों इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच है। और मैं मीटर को ऑन करके आपको दिखाऊँ तो फुल डिजिटल मीटर है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, RPM शो जाएगा, स्पीडो है, गियर पोजीशन है, फ्यूल इंडिकेशन है, ओडो है, ट्रिप है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस बाइक के अंदर। अब इस बाइक की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी इस बाइक को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर हमें देखने को मिले। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 1.50 लाख रुपीज़ के आसपास ये बाइक हमें इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। जो फीचर स्पेसिफिकेशन इस बाइक में दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर ये 1.50 लाख रुपीज़ के आसपास आ जाती है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि एक छोटे इंजन के साथ में अट्रैक्टिव लुक वाली बाइक चाहते हैं। तो उन्हें क्यूजे मोटर्स की SRV 125 डिज़ाइन के मामले में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको कैसी लगी ये मोटरसाइकिल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।